सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। पढ़ो लिखो लड़ो, हंसो रो कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है हर हाल में उसे पूरा करो। लंबी छलांगों से कहीं बेहतर है निरंतर बढ़ते कदम, जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएंगी। असफल लोग तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और सफल लोग तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। आज का पंचांग 2 जून 2022 दिन गुरुवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि, सुबह 12:17 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र सम 4:04 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:05 से 3:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 2 जून 2022 दिन गुरुवार, आप क्रोधित हो सकते हैं। आप कुछ भावुक होंगे पर आप जल्दबाजी में निवेश ना लें। आपके जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती है, आप जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं। आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रह नक्षत्र के संयोग से जानकारी मिल रही है कि वृषभ राशि वालों को आज व्यापारिक कार्यों में बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही नए उत्पादों को व्यापार में भी शामिल करेंगे। काम धंधे के समय काम की स्थिति बेहतर रहेगी और हर कार्य समय पर पूरा होगा। कुछ नए ऑर्डर प्राप्त करने के लिए सभी कार्य आसानी से पूरे होंगे। रंग तथा सजावट के व्यापारियों की उन्नति होगी। नौकरी पेशा वर्ग के जातक बॉस के साथ अच्छे संबंधों का लाभ उठाएंगे। वैवाहिक संबंधों में मिठास रहेगी। दोनों के मध्य आपसी प्रेम एवं नजदीकी बढ़ेगी। आपको अपने प्रियजनों और परिजनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपको प्रियजनों और रिश्तेदारों में किसी को शारीरिक कष्ट होने की सूचना मिल सकती है। संध्या काल के समय स्थिति में सुधार आएगा। स्वास्थ्य संबंधित कोई न कोई छिटपुट परेशानियां लगी रहेगी। मानसिक रूप से किसी न किसी प्रकार के वहम की स्थिति भी बन सकती है। सावधानियां, आज आपके अंदर निर्भीकता का भाव बना रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे तो रहेंगे, लेकिन वह आपको कोई सलाह दे सकते हैं जिसे आपको सोच विचार कर मानना बेहतर रहेगा। संतान को विदेशों से शिक्षा ग्रहण करने का मौका भी मिलेगा, जिसमें आपको उन्हें भेजना ही होगा। बात करते हैं लव लाइफ की। आज आपकी किस्मत के पत्ते यात्रा दर्शा रही है, इसलिए आनंद उठाएं। ऐसी संभावना है कि आज आप अपने प्रेमी को मिलने के लिए जाने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि आप दोनों ही किसी यात्रा पर साथ जाने वाले हैं। यह आपके पास अपने दोस्तों और परिवारजनों से कहीं दूर जाकर एक दूसरे के साथ अकेले समय व्यतीत करने का एक उत्कृष्ट समय। एक दूसरे की व्यस्त अनुसूची को नवीनतम तरह से ढालने का और एक दूसरे के प्रेम को पुनः खोजने का यह एक आदर्श समय है। बात करते हैं करियर की। नई योजना में आपको अपनी सच्ची भावनाओं व रचनात्मकता को अभिव्यक्त करना चाहिए। अनुभवी लोगों की सलाह लेने से आपको लाभ ही होगा। अगर आप अपने काम को पूरा कर सके तो आज आप पाएंगे कि भविष्य में आपके करियर में तेजी से सुधार आएगा। अगर आप संबंध के क्षेत्र में हैं तो आप अपनी संस्था में अच्छे मूल्यों को बढ़ा सकेंगे। बात करते हैं सेहत की।
आज तनाव कम होने के कारण आप अच्छा महसूस भी कर सकती हैं। आप स्वास्थ्य की तरफ सकारात्मक व्यवहार रखते हैं और आपकी जीवन शैली भी ठीक रहेगी, परंतु तब भी अपने सेहत का ख्याल रखें। आज का उपाय, आज आप केले के पेड़ की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।